गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कहानी चंदोहा, कहानीकार डॉक्टर करतार सिंह सूरी। चंदोहा कहानी साड़ी पंजाबी दी पाठ पुस्तक काव कथा संवेदना विच दर्ज है। आज असी कहानी चंदोहा का एक्सट्रैक्ट नंबर 3 डिस्कस करांगे। इस दियां एक्सट्रैक्ट लाइन्स ने मैनू ते जी आप चिंता लगी हुई है, भैड़े कीचरा ने फर्श का सत्यानाश कर छड़िया, विचारे खुशिए नूं दूजी वार साफ करना पिया। पहला प्रश्न, ये शब्द किसने किसनू ते कदों कहे। सैकेंड प्रश्न, किसनू इस गल की चिंता सी। तीसरा प्रश्न, भैड़े कीचर किन्ना नू किया गया है ते क्यों। चौथा प्रश्न, इन्हां शब्दों तो दसो कि यह शब्द बोलण वाला किहो जिहे सुभा का मालक है। हुण बेटे पहले प्रश्न ते आ जाओ, ये शब्द किसने किसनू ते कदों कहे। वार्तालाप के आधार ते ये शब्द जीवन सिंह की मामी ने कहानी दे अंतले पड़ाव ते जीवन सिंह दे मामे नूं कहे। उस समय कहे जदों जीवन सिंह दा परिवार सुच्चे मूंह गुरु बाबे दे दरबार विच मत्था टेक के वापस आउंदा है ते उन्हां दी मौजूदगी तो बेखबर मामा मामी उन्हां दी बदकोईयां करदे हन, ते नाल ही नाल जीवन सिंह दी मामी अपने नौकर खुशीए दा पक्ष पूरदे उपरोक्त शब्द आखदी है। सैकेंड प्रश्न, किसनू इस गल की चिंता सी। किसनू मतलब गोपाल सिंह की पत्नी ते जीवन सिंह की मामे नू फर्श दे दागी होने की चिंता सी। असल विच जीवन सिंह ते उसका परिवार लम्मा सफर तय करके आए सन, जिस कारण उन्हां दे पैर मिट्टी नाल भरे हुए सन ते कपड़े भी गंदे हो गए सन। ते जिवें ही ए लाम डोरी मतलब जीवन सिंह ते उसका परिवार कोठी विच प्रवेश करती है, तां उन्हां दा चिप्स दा फर्श दागी हो जाता है, ते जिस कारण उन्हां दे नौकर खुशिए नूं दो वार साफ करना पैंदा है। बेशक जीवन सिंह ते गोपाल सिंह दी नेड़ली रिश्तेदारी सी, पर फिर भी गोपाल सिंह दी पत्नी दा उस ते परिवार नाल कोई भी मोह प्यार नहीं सी। ठीक है, इस तों इलावा जीवन सिंह दी मामी दे मन दे विच ए तोखला सी कि कंगाल काफला भाव जीवन सिंह दा परिवार उन्हां दे घर रहेगा ते उन्हां दी बनी बनाई इज्जत मिट्टी विच मिल जाएगी। सो इन्हां उपरोक्त कारणां कारण उसनूं चिंता लगी हुई सी। तीसरे प्रश्न ते आ जाओ, भैड़े कीचर किन्हां नूं किया गया है ते क्यों। हुण इहदे विच जीवन सिंह दे परिवार ते गोपाल सिंह दे परिवार दी कंपैरिजन आएगी, तुलना आएगी। पहले असी जीवन सिंह दे परिवार नूं डिस्क्राइब करांगे। भैड़े कीचर जीवन सिंह दे परिवार नूं किया गया है, वह एक मामूली फायरमैन सी, उसकी तनखा 80 रुपए सी, वह आर्थिक तंगी दे दौर विचों लंघ रहा सी। जदों वह अपने मामे दे घर जाता है, ठीक है, उसके पहरावे तो गुरबत ते पेंडू पुल्ला झलकदा सी। वह जदों मामे दे राज भवन विच प्रवेश करता है ते इंदर कौर ने सज्जे पासे काके नूं चुकिया होया सी ते खब्बे हाथ विच कपड़ियां वाला थैला, वड्डी कुड़ी ने छोटी नूं उंगली लाया सी ते नाले रोटियां वाला डब्बा लमकाई आ रही सी। जीवन सिंह निक्की जी ट्रंकी चुकी सभना तो अगे अगे सी। दूजे पासे जीवन सिंह दा मामा तनाड़ व्यक्ति सी, वह छोटे लोगों नाल संबंध रखना नहीं चाहता सी, उसनू अपने पैसों का बहुत हंकार सी, अजिहे छोटे बंदियां नू बिल्कुल पसंद नहीं करता सी। ये गल उस समय स्पष्ट हुंदी है जदों जीवन सिंह दे परिवार दे मैले कदमां हेठ फर्श गंदा हो जाता है, तां वह उस दे परिवार नू भैड़े कीचर शब्द नाल संबोधित करता है। चौथा प्रश्न, इन्हां शब्दों तो दसो कि बोलण वाला किहो जिहे सुभा दा मालक है। ये शब्द बोलण वाली जीवन सिंह दी मामी है, वह इस कहानी दी सहायक पात्र है। कहानी दीआं बहुत सारीआं घटनावां उस नाल संबंध रखदियां हन। सूमनी, वह एक सूमनी औरत है। ये गल उदों स्पष्ट हुंदी है जदों जीवन सिंह अमृतसर अपड़न तो पहला अपनी पत्नी नूं कहिंदा है कि उसकी मामी सुभा तो माड़ी नहीं पर जरा सूमनी है। इस तो स्पष्ट हुंदा है कि वह अमीर होने के बावजूद भी सूमपुना वरतदी है। अमीर औरत, वह
एक अमीर औरत है, वो महल वर्गी कोठी विच रहिंदी है। उसका पति अमीर व्यक्ति है ते उसके घर शहर दे मन्ने परमन्ने लोकां दा आना जाना है। नौकर दा पक्ष पूरण वाली औरत, वो नौकर दा पक्ष पूरण वाली औरत दे रूप विच साडे सामने स्पष्ट आई हुंदी है। जब जीवन सिंह ते उसके परिवार दे मैले कदमा हेठ फर्श गंदा हो जाता है ता वो खुशी दा पक्ष पूरदी आखदी है कि उस विचारे नू 2 बार फर्श साफ करना पिया सी। गरीबां नू तुच्छ समझण वाली, वो गरीबां नू तुच्छ समझदी है। जदों जीवन सिंह दा परिवार कुछ दिनां लई उन्हां दे घर रहण लई आउंदा है ते वो उन्हां नू सर्वेंट क्वार्टर विच वाड़न दी गल करदी है। भैड़े बोल बोलण वाली, वो भैड़े बोल बोलन वाले पात्र दे रूप विच स्पष्ट हुंदी है। जदों जीवन सिंह दा परिवार बाबे दे दर ते मत्था टेकण गया हुंदा है ते ओ उन्हां दी गैर मौजूदगी विच उन्हां नूं मूंह काली भैड़े कीचड़ चंगड़ा दी टोली वर्गे शब्दां नाल संबोधित करदी है। पति दी पोजीशन बारे फिक्रमंद, ओ पति दी पोजीशन बारे बहुत फिक्रमंद हुंदी है। जदों जीवन सिंह सारिआं सामने गोपाल सिंह नूं मामा शब्द नाल संबोधित करदा है ते उसदे मन विच तोखला पैदा हो जांदा है कि जीवन सिंह कुछ देर उसदे घर रहा तां उहनां दी पोजीशन खराब हो जाएगी। ते लास्ट पैरा लिखांगे असीं, सो समुचे तौर ते असीं कह सकदे हाँ कि जीवन सिंह दी मामी सुमनी कौमा एक अमीर औरत कौमा नौकर दा पक्ष पूरण वाली कौमा गरीबां नूं तुच्छ समझण वाली कौमा भैड़े बोल बोलण वाली अते पति दी पोजीशन नूं लै के फिक्रमंद रहण वाली औरत दे रूप विच साडे सामने पेश हुंदी है। हुण बच्चे असीं इह सारा एक्सट्रैक्ट हिंट्स दी मदद दे नाल अपनी कापियां ते नोट करना है।